हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग चॉकलेट स्क्रब बनाएंगे। ये स्क्रब आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाता है। ये आपकी डेड स्किन रिमूव कर आपके ओपन पोर्स की समस्या को दूर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर हमें सनटैन होने से भी बचाती हैं। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमें एक्ने पिंपल्स होने से बचाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और रेडिएंट हो जाती है। तो आइए स्किन वाइटनिंग चॉकलेट स्क्रब बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें 1/4 कप चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा हमारी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करती है। साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन रिमूव करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही हमारी स्किन पर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर हमारी स्किन को डिटॉक्सीफाई करता है, ये हमारी स्किन टोन को इवन करता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सपल हो जाती है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। शहद हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, साथ ही इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें एक्ने और पिंपल्स होने से बचाती हैं। तो अब हम लास्ट में इसमें ये 5-6 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल की डालेंगे। इससे स्क्रब में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट हो जाती है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हमारा कॉफ़ी स्क्रब बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक कांच का कंटेनर ले लेंगे और इसमें स्क्रब को स्टोर करेंगे। आप इस स्क्रब को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो यह मैंने स्क्रब को कंटेनर में अलग निकाल लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद इस तरह थोड़ा सा स्क्रब लेके इसे अपने फेस और नेक एरिया पे इस तरह सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें और 5-6 मिनट स्क्रब करने के बाद आप अपने फेस को पानी से अच्छे से वॉश कर लें। और अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई तो ज़रूरी करें। और इसके रेगुलर यूज से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा, आपकी ओपन पोर्स की समस्या दूर हो जाएगी और साथ ही अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स या फिर सनटैन की प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे, प्लस आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और रेडिएंट हो जाएगी। तो आप भी 100% नेचुरल और इफेक्टिव चॉकलेट स्क्रब को एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।